हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि सर जीके जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का टेस्ट लेके आए हैं, साथ में हमने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के यहाँ पर पर्सनल वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, सभी लोग तैयार हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए साथियों जवाब दीजिए फटाफट यहां पर। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए टू का जवाब देना है और यहां पर टू का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर तेल शोधन उद्योग के लिए। ठीक है, तेल शोधन उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो प्रतिहार जो स्वयं को मानते थे, ये मानते थे आपके लक्ष्मण का वंशज। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पर थ्री का हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। चलिए साथियों जवाब दीजिए फोर नंबर कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। यहां पर फोर का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, तो फोर का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी नंबर। 1765 से लेके 1772 तक आपका द्वैध शासन आपका चला था बंगाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। अर्थात यहां पर राजा राम मोहन राय जो थे वो आपके किस सुधार में थे, तो ये समाज सुधार से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा समाज सुधार। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। तो यहां पर देख सकते हैं सर्वाधिक बार आपके जो अविश्वास प्रस्ताव हैं ये रखे गए हैं आपके इंदिरा गांधी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इंदिरा गांधी सरकार। ठीक है, वैसे देखा जाए तो वर्तमान में भी काफी आपके 16 से ज्यादा प्रस्ताव आपके मोदी सरकार में रखे गए हैं, लेकिन पूर्णता हुए नहीं है, यहां पर ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए साथियों जवाब दीजिए, भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, अर्थात ऐसी कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो सेवन का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी मिजो। ठीक है, मिजो को यहां पर कह सकते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर उन्हें हटने का जो आपका आदेश जारी करता है वो करता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, नाइन का जवाब देना है। और नाइन का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, किसे, उच्चतम न्यायालय को प्रदान है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्वजननी अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो, अर्थात जो भारत है वो किस प्रकार का देश है, तो ये देश आपका है लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक, ऑप्शन आपका यहां पर 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, विश्व के चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है यहां पर किसे।
तो 12 का ऑप्शन राइट है आपका जवाब। यहां पर याद रखिएगा आपके समाना प्रदेश को, ठीक है, समाना प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि जो है वो किस फसल में आपकी है, चलिए साथियों जवाब दीजिए। और यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर चावल के लिए, ठीक है, चावल के लिए आपकी है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। कॉफी का उत्पादन आपको पता है कर्नाटक में होता है, और यहां पर एक जिला है जहां पर आपकी सबसे ज्यादा होती है, ये जिला आपका है कुर्ग, ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कुर्ग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैकोलिथ संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर से जब आपका मैग्मा निकलता है वो आपका कह सकते हैं कि कई आकृति में हो जाता है, ठीक है, अर्थात ये आपका जो संबंधित है आपके ज्वालामुखी से है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहां पर कि भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहां स्थापित की गई है। यहां पर देख सकते हैं खाना पकाने के लिए है और यह विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली है, यह स्थापित की गई है आपके 16 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1897 में कहां स्थापित किया गया था। भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1897 में कहां स्थापित किया गया था। यहां पर प्रथम नहीं पूछा है, यहां पर डेट दे दिया है, और ये जो स्थापित किया गया था आपके दार्जिलिंग में, याद रखिएगा कहां पर, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा 17 का, यहां पर हो जाएगा बी नंबर दार्जिलिंग में, ठीक है। और यहां पर जो आपका शिव समुद्रम है वो आपके कह सकते हैं कि वो जो है वो कह सकते हैं कि जल विद्युत का प्रथम, ठीक है, अगर जल से विद्युत प्राप्त करने के लिए जो प्रथम आपकी परियोजना थी वो आपकी शिव समुद्रम ही थी, ठीक है, लेकिन यहां पर डेट दिया है 1897। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था, 18 का जवाब देना है, और यहां पर 18 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा डी नंबर 1806 में, याद रखिएगा पत्र मुद्रा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1806 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहां पर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला आपका महाद्वीप है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और देखते हैं किसका जवाब यहां पर आपका सही आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम जो है और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में है, चलिए जवाब दीजिए यहां पर 20 का, और यहां पर 20 का ऑप्शन बिल्कुल जवाब यहां पर याद रखिएगा गंगा नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा गोदावरी, क्योंकि जो गंगा निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती तो है लेकिन बांग्लादेश में जाती है, तो ये तो आपका दूसरा देश हो गया ना, तो गोदावरी है, तो गोदावरी जो आपकी निकलती है महाराष्ट्र के, ठीक है, तो कह सकते हैं नासिक के त्र्यंबक से निकलती है और इसके बाद आपके कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो यहां पर आपकी गोदावरी होगी, ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, उद्गम और मुहाना दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताइए। हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो आपके मंडल है तो इसमें से सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आपका मध्यमंडल, फिर आयनमंडल, फिर आपका बहिर्मंडल, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखोगे तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए ऑप्शन सी वाले में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, फिर आपका बहिर्मंडल होता है, ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। यहां पर दिया है संस्कृत मुद्रा लेख, ठीक है, के साथ चांदी के सिक्के, सिर्फ चांदी का सिक्का होता और रुपया होता तो हम लोग शेरशाह बताते, लेकिन यहां पर संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, और ये किए थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महमूद गजनवी, ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो गया बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है। तो यहां पर बताना है, देख लीजिए कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है वह आपका कौन सा है। तो यहां पर 23 को ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त ने कह सकते हैं, इनके ग्रंथ में कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। अगला है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, 24 नंबर। और 24 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1953 में। ठीक है, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, बताना है भाई कि भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन किया था वो किसने किया था। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, तुर्कों, या कह सकते हैं कि जो फारस के लोग थे, फारस तुर्कों को बोलते थे उस समय, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और यहां के बाद अर्थात यहां के बाद जो ये खेल गया था वो अंग्रेजों के पास अर्थात इंग्लैंड में गया था। तो सबसे पहले आपका कहां ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्क, या अगर ऑप्शन में आपको फारस आता है तो फारस लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था। यहां पर देख सकते हैं युद्ध कौन है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, और इसमें टीपू सुल्तान ने जो संधि किया था यह किया था ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और यही एक कहा जाता है स्वतंत्रता का वृक्ष जो लगाया था कहां पर, तो श्रीरंगपट्टनम में ही लगाया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है। पिट्रा ड्यूरा, याद रखिए पिट्रा ड्यूरा जो कि एक प्रकार की शैली है, और ये शैली किस प्रकार की है, तो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत। ठीक है, यहां पर संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जो आपकी जड़ावत होती है इसे बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा। देखो संगमरमर पत्थर होता है, उसके बीच में देखते हो चमकते हुए आपके पत्थर लगे होते हैं। ठीक है, चमकते हुए लगे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत थे, नरसिंह मेहता जो थे ये कहां के संत थे। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहां पर ए नंबर आपकी गुजरात के। ठीक है, कहां से संबंधित थे, तो आपके गुजरात थे, अर्थात इनका जन्म कहां हुआ था, गुजरात में हुआ था नरसिंह मेहता का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है। यहां पर देखो मजबूत नहीं पूछा है, पूछा है शक्ति का स्रोत जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिल जाए। तो आप सोच सकते हैं चट्टान से भी ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन कौन सी चट्टान से शक्ति पावर हमको किससे मिल सकती है, तो ये आपकी है औषधि चट्टान, क्योंकि औषधि चट्टानों में आपका कोयला होता है, आपका पेट्रोलियम होता है, तो वहां से क्या होती है पेट्रोलियम, इनसे क्या होता है एनर्जी तो मिलती है, ऊर्जा ही तो मिलती है ना इनसे, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, यहां पर 30 का जवाब देना है, और 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर, औरंगजेब के समय जागीरदारी संकट सर्वप्रथम आपके मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा था, 31 का जवाब देना है साथियों, और यहां पर आपका सही जवाब 31 का हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपके बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी ने कहा था। और अगला है अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ। तो यहां पर बैरम खां जो थे इन्होंने ही कह सकते हैं अकबर को बड़ा किया है, कह सकते हैं उनके गुरु भी रहे, संरक्षक भी रहे, ठीक है साथ पूरा रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैरम खां के अंदर एक लालच हो गया। कब, जब यहां पर अकबर ने पूरा शासन संभाल लिया था, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये हमको संभालने को मिलेगा, तो बैरम खां ने विद्रोह कर दिया था, तो इस कारण से बाद में क्या हुआ, अकबर ने बैरम खां को पराजित किया, और इसके बाद बैरम खां जो थे वो मक्का जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई थी, एक व्यक्ति ने मार दिया था। तो इस प्रकार से बैरम खां का जो पतन हुआ था वो किस ईस्वी में हुआ था, तो 32 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1560 ईस्वी में, और इसीलिए कहा जाता है कि 1560 से
1562 तक एक शासन चला था पेटीकोट शासन, अर्थात यहाँ पर अकबर के संरक्षक में जो महिलाएं थी वो इस समय शासन को देख रही थी 1560 से 1562 तक। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। चलिए साथियों 33 का जवाब देना है और बिल्कुल सही जवाब है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, वेरी गुड। ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, इंडिका है, ठीक है इंडिका है। और अगला है कि किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, यहाँ पर पशु वर्ण दे दिया गया है बल्कि यहाँ पर कोई जंतु बोल देते तो ज़्यादा ही सटीक होता कि किस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 34 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर केचुआ, ठीक है केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्लब्बर क्या है, ब्लब्बर क्या है 35, तो ब्लब्बर क्या है, ये संघ वसा की परत है, ठीक है ये क्या है संघ वसा की परत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, यहां पर कह सकते हैं कि चंगेज खान भारत में आया था लेकिन कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भारत के अंदर एंट्री भी नहीं किया था क्योंकि इस समय जो शासन था वो आपकी इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण नहीं दिया था जिसके कारण से अपना भारत एक बार लूटने से फिर बच गया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण जो कि सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी हो जाएगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है, भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है, तो यहां पर कौन पैदा नहीं करता है, तो आपका जो समाजवाद है, ठीक है समाजवाद है, समाज मतलब होता है एक समान, ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है, कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है, तो यहां पर 39 का जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन, देख सकते हैं कि लोक लेखा तो है, प्राकलन भी है, लोक उपक्रम भी है, लेकिन वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर है निम्न में से कौन सा देश एक दलीप प्रणाली अपना रहा है, एक दलीप प्रणाली, ठीक है एक ही दल प्रणाली जो आपकी है, और ये जो देश आपका है ये आपका है चाइना, ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा, यहां पर चीन है जो कि एक दलीप प्रणाली अपना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, देख सकते हैं ऐसा कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, 41 का जवाब दीजिए सभी लोग, और 41 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर अरावली, देख सकते हैं कुनलुन और कराकुरम और हिंदुकुश ये तो आपके हैं हिमालय के अंतर्गत, लेकिन अरावली जो कि आपकी सबसे पुरानी है और ये हिमालय से आपकी अलग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, मृदुमलाई पशु विहार ये जो आपकी प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर हाथियों के लिए, ठीक है हाथी आपके यहाँ पर मैंने कि हाथी रहते हैं साथ में आपके कह सकते हैं कि बाघ वगैरह भी होते हैं लेकिन ज़्यादा तौर पे आपके कौन मिलेंगे तो आपके हाथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए थे, और इसका जवाब तो सभी को पता होगा, सभी को पता है ना, तो सभी लोग जवाब दे दीजिए एक बार, तो 43 को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आदि शंकराचार्य, ठीक है सी नंबर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है, 44 नंबर, तो इसे बोलते हैं एक्सॉन, क्या बोलते हैं इन्हें, एक्सॉन बोलते हैं जो आपके डीएनए होते हैं और कोडकंड खंड जैसे आपको देखने को मिलते हैं तो अलग अलग अर्थात इन्हें एक्सॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन आपका कह सकते हैं ए बी सी डी ई है ना, तो इसमें से दो आपकी ये विटामिन जो जल में घुलनशील हैं, अब यहाँ पर ए और आपका डी और ई ये तीन विटामिन हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं तीन विटामिन में कैल्सिफेराल कैरोटीन और टेकोफेराल यहाँ पर ये हो जाएंगे जो कि 45 को ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर।
अगला क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है, रेशम का उत्पादन किससे होता है। तो रेशम का उत्पादन याद रखिए रेशम कीट के लार्वा से होता है, किसके होता है, लार्वा से होता है। इसमें क्या होता है कि जो कीट होता है उस छोटे से बच्चे को जन्म देता है, करीब 7 दिनों के बाद वो लार्वा निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद हमने बताया था कि जिस प्रकार से केंद्र में होती है राज्यसभा, उसी प्रकार यहाँ पर राज्यों में जो कि विधानमंडल के अंतर्गत आपकी होती है विधान परिषद, तो वही आपकी दोनों एक सेम है, अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी ऑप्शन आपका हो जाएगा डे नंबर 6 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। 12 अध्यादेश जारी करने वाला ये मुगल बादशाह जो था वो आपका कौन, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर था, ठीक है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पर अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, ये आपके कौन थे, तो आपका जवाब चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, गुप्त मौर्य, ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब सोचिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, अर्थात यहाँ पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं जो आपके राष्ट्रपति हैं, और ये आपके किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 143, ठीक है 143 के तहत राष्ट्रपति यहाँ पर उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है ये आपका सी नंबर हुआ। और इतने 50 प्रश्न आपके थे, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, और जितने लोग जुड़े थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करिए, मिलते हैं नए वीडियो में, सभी को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।